नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप लोग। हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत। आपके लिए लेके आया हूं मैं बजट फ्रेंडली एवरेज और मेंटेनेंस के बारे में बहुत बेहतरीन ट्रैक्टर। चलो हम इस ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे। इस ट्रैक्टर में 540 आरपीएम वाला पीटीओ मिल जाता है और 34 एचपी की हॉर्स पावर निकल के देता है। आपको इनबोर्ड टेक्नोलॉजी वाला रेयर एक्सल मिल जाता है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का रेयर एक्सल मिल जाता है इस ट्रैक्टर में आपको। और ऑक्सिलरी हॉल आपको एक ही मिल जाता है और हिच और ड्रॉबार भी मिल जाता है इस ट्रैक्टर में आपको। 1500 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है इस ट्रैक्टर में आपको, बेहतरीन कैपेसिटी मिल जाती है लिफ्टिंग की। मडगार्ड की बात करें तो हेवी क्वालिटी वाला मडगार्ड मिल जाता है और आपको साइड में इंडिकेटर मिल जाता है। इसकी टायर साइज की बात करें तो आपको सेट कंपनी के टायर मिल जाए और 13/6/28 के पिछले के टायर मिल जाते हैं और आपको आगे के 6/16 के टायर मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं 6/16 के टायर देखने को मिल जाते हैं आपको इस ट्रैक्टर में। आपको दिखाता हूँ मैं, देख सकते हैं 6/16 के टायर मिल जाते हैं। एक्सेसरीज रखने के लिए आपको पीछे के साइड में आपको टूल बॉक्स मिल जाता है ट्रैक्टर के बाहर के साइड में। ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए आपको ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म दिया है और आपका प्लेटफॉर्म देख सकते हैं आप ट्रैक्टर का, बहुत ही लार्ज साइज का आपको प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है। और इसकी गियर की बात करें तो आप गियर इसमें आपको 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर मिल जाते हैं जो भी कस्टम मेड गियर बॉक्स के साथ मिल जाते हैं। उसके बाजू में आपको पीटीओ का गियर लीवर मिल जाता है जिससे आप पीटीओ लीवर ऑपरेट कर सकते हैं। ट्रैक्टर की सीट को आप अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यह ट्रैक्टर सिंगल क्लच के साथ मिल जाता है और सिंगल पॉइंट सेंसिंग के साथ आपको यह ट्रैक्टर मिल जाता है। और इसकी सर्विसिंग की बात करें तो 250 हॉर्स घंटे के बाद आप इस ट्रैक्टर की सर्विसिंग कर सकते हैं। तो 12 वोल्टेज चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है जिससे आप फोन चार्जिंग करा सकते हैं। आपको इस ट्रैक्टर के रीडिंग मीटर की बात करें तो आपको इसमें हॉर्स मीटर, फ्यूल मीटर, टेम्परेचर मीटर और हॉर्स मीटर भी देखने को मिल जाता है। नीचे के साइड आने के बाद आपको 12 वोल्टेज का मोबाइल चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर के थोड़े आगे आने के बाद आपको 6 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। आपको इस ट्रैक्टर में ड्राइव टाइप का एयर फिल्टर मिल जाता है और बड़े बड़े टाइप के ऑयल फिल्टर मिल जाते हैं। 37 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है जो आपको 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है और बॉश कंपनी का इनलाइन पंप दिया जाता है आपको इस ट्रैक्टर में। इस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग की बात करें तो आपको टेंडन टाइप की पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं टेंडन टाइप की पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है इस ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर के मॉडल की बात करें तो महिंद्रा 275 एचपी प्लस मॉडल जो आपको 47 एचपी के साथ आता है। इस ट्रैक्टर का आगे का लुक देखते हैं हम लोग कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं इसका आगे का लुक बहुत बेहतरीन, अट्रैक्टिव, शानदार और दमदार ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की फ्रंट लुक की बात करें तो आपको आगे की साइड में हेलोजन लाइट के साथ ऊपर की साइड में महिंद्रा का लोगो दिया जाता है। उसके नीचे के साइड में आपको हवा इनलेट होने के लिए बड़ी वाली जाली दी है और उसके सामने आपको बड़ा वाला वेट दिया जाता है। उसके थोड़े आगे आने के बाद आपको बड़े वाले फिल्टर देखने को मिल जाते हैं जो ऑयल फिल्टर मिल जाते हैं आपको। इससे कोई ज्यादा मेंटेनेंस नहीं निकलता, ट्रैक्टर बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। ऑयल फिल्टर की सर्विसिंग पहले 250 घंटे पर करनी चाहिए, फिर बाद में 100 घंटे पर करनी चाहिए, तो इससे कोई ज्यादा मेंटेनेंस नहीं निकलता और ट्रैक्टर हीट भी कम होता है इसकी वजह से। आगे की तरफ आपको बाहर के साइड में 12 वोल्टेज की बैटरी दी जाती है और उसके ऊपर के साइड में आपको ऑयल इमरेज ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। ब्रेक पर आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने आपको पैडल एक्सेलरेटर मिलता है, आपको पीछे की हाइड्रोलिक कंट्रोल करने के लिए ड्रॉप लेवल और पोजीशन लेवल मिलता है। उसके बाजू में आपको बेहतरीन क्वालिटी का इंडिकेटर मिलता है और मडगार्ड भी इसको मेटल का यूज किया गया है। दोस्तों आपको ओवरऑल हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर देखने को मिलता है। स्टीयरिंग के पास आपको हैंडरेस्ट दी जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 49 की आती है। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर पर आप 5 फुटी तक रोटावेटर चला सकते हो। आप इस ट्रैक्टर पर सभी प्रकार के काम करा सकते हो। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर की प्राइस आपको 6 लाख तक मिल सकती है। अलग अलग शोरूम पर अलग अलग प्राइस रह सकती है। महिंद्रा का मॉडल सब्सिडी में भी अवेलेबल है। आपको महिंद्रा 275 एचपी मॉडल की जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए और एक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो यहाँ पर रुकते दोस्तों, धन्यवाद।